टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने अपने एक अध्ययन में पाया है कि मेडिकल में जो प्रवेश का स्तर है वो आरक्षण की वजह से नहीं घट रहा है, बल्कि वहां पर कैपिटेशन फी की वजह से मेरिट का स्तर लगातार घट रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने जो डेटा जारी किए हैं उसके मुताबिक देश में लगभग 39,000 सरकारी सीटें हैं और 17,000 मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा की सीटें हैं, जहां पर एडमिशन की शर्त मेरिट नहीं बल्कि फीस है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टडी ये बताती है कि उसने 57,000 स्टूडेंट्स पर 409 कॉलेजेस में 57,000 स्टूडेंट्स पर स्टडी किया, जिसमें यह बताया गया कि नीट का जो एवरेज स्कोर था वो सरकारी कॉलेजेस का स्कोर था 448 और प्राइवेट कॉलेजेस का जो एवरेज स्कोर था वो 308 था। और अगर एससी स्टूडेंट्स यानी शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स का जो एवरेज स्कोर देखा जाए तो सरकारी कॉलेजेस में शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट का जो स्कोर था वो 398 था, और अगर सभी कॉलेजेस में शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स का स्कोर देखा जाए तो 367 था, जो ओवरऑल एवरेज था। लेकिन इस अगर आंकड़े को का ठीक तरीके से अध्ययन किया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि ये जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स एवरेज ले आ रहे हैं ये दरअसल जो प्राइवेट कॉलेजेस में कैपिटेशन फी से एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं उनसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जो कैपिटेशन फी देके एडमिशन हो रहा है उसमें 211, 212 नंबर पर भी एडमिशन हो जा रहे हैं, चाहे वो एनआरआई कोटा हो चाहे मैनेजमेंट कोटा हो। तो ये एक तरह से सतेंद्र रंजन हमारे साथ, हमारे सहयोगी सतेंद्र, क्या ये एक तरह से ये नहीं दिखाता है कि दरअसल पैसे वालों को सीटें बेचने की वजह से जो मेरिट है और जो गुणवत्ता है मेडिकल की पढ़ाई की वो घट रही है, ना कि आरक्षण इसकी वजह? ये स्टडी आरक्षण के खिलाफ जो पूरा डिस्कोर्स पिछले डिकेड्स में डेवलप किया गया है उसको पंक्चर करता है, क्योंकि उसमें जो मेन उसका लॉजिक यही दिया जाता है कि जो रिजर्वेशन है वो मेरिट के खिलाफ है, उसमें कम मेरिट वाले लोग कम नंबर लाकर चले जाते हैं। लेकिन यह सवाल कभी नहीं उठाया गया कि उसमें बहुत से कम वो नंबर लाने वाले वो लोग भी होते हैं जो सिर्फ पैसे की वजह से दाखिला ले लेते हैं, और वो फिर वो इंजीनियर, अभी ये तो डॉक्टर्स के लिए है, मेडिकल कॉलेजेस के लिए, लेकिन यह बात इंजीनियरिंग कॉलेज पे भी लागू होगी कि वो इस तरह के जो टेक्निकल पढ़ाई है उसमें उनको दाखिला मिल जाता है। तो यह जो सवाल इतने समय से ये बात बार बार, मेरिट अपने आप में एक डिबेटेबल टॉपिक है, उस पर हम लोग अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरिट को एक्सेप्ट भी कर लिया जाए जिस मेरिट की बात की जाती है तो ये स्टडी उस पूरे डिस्कोर्स को पंक्चर कर देती है कि रिजर्वेशन जो है वो एंटी मेरिट है। जी, हमने तो यहाँ तक देखा कि अगर एनआरआई या मैनेजमेंट कोटे में 211, 212 नंबर आ रहे हैं और 19 लाख या 20 लाख आप फीस दे रहे हैं तो आपका एडमिशन आसानी से हो जा रहा है, तो फिर मेरिट कहाँ पर डाइल्यूट हो रही है? ये तो अमीर लोग साफ देख बता सकते हैं। इसके लिए किसी तर्क की जरूरत नहीं है और किसी आईने की भी जरूरत नहीं, आईना उनका मेरिट खुद बता रहा है। लेकिन बात यह है कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं तब भी आरक्षण को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाता है, वो मुद्दा कैपिटेशन फी को लेकर क्यों नहीं बनाया जाता? इसलिए नहीं बनाया जाता है कि इसमें जो लोग ये मुद्दा बनाते हैं उनका वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें है। जो समाज का जो तबका जो बहुत पहले से प्रिविलेज्ड क्लास है वो अपने प्रिविलेज को, ये जो सिस्टम है वो उसके प्रिविलेज को बरकरार रखने में सहायक है। उनके पास पैसा है और वो पैसा भी भारत में किस तरह से, अगर उसका एक सोशियोलॉजिकल स्टडी की जाएगी तो ये देखा जा सकता है कि वो पैसा भी एक खास तरह के खास बैकग्राउंड से आए हुए लोगों के पास ही होता है। तो वो अपने बच्चों को, जो बच्चे तमाम कॉम्पिटिशन में फेल हो जाते हैं उनको पैसे देकर वो इंजीनियर और डॉक्टर बना लेते हैं। मतलब जो पढ़ाई है वो दरअसल सामाजिक आर्थिक हैसियत से तय हो रही है, खासतौर से इस तरह की जो टेक्निकल पढ़ाइयां हैं चाहे वो मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, वहां पर आपकी सामाजिक आर्थिक हैसियत अगर अच्छी है तो आप कम नंबर ले आकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। बस उसके लिए ये दोष देना कि आरक्षण की वजह से किसी अच्छे मेरिट वाले को एडमिशन नहीं मिला, ये गलत कहा जाएगा। यह तो IIT ने खुद अभी कुछ साल पहले अपने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का स्टडी किया था, उसमें ये बात सामने आई थी कि उनके यहाँ जो लोग सिलेक्टेड होते हैं वो कुछ खास शहरों से, ऐसे फैमिलीज से जो प्रोफेशनल, जिन फैमिलीज में पहले से प्रोफेशनल से इंजीनियर डॉक्टर वकील हैं, मतलब एक जो उनका पारिवारिक बैकग्राउंड है ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कोचिंग की सुविधा, पढ़ाई की सुविधा, कंप्यूटर की सुविधा जिन बच्चों को मिलती है,
ये जो सो कॉल्ड मेरिट है ये इन चीजों से बनती है, ना कि वो जन्म जाति की। हाँ, लेकिन एक और बात जो सरकारों का को शायद उस पर ध्यान देना चाहिए कि सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए ये आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी, और यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि अगर कम मेरिट वाले बच्चे भी या छात्र भी अगर पैसे के दम पे एडमिशन पा ले रहे हैं तो जो सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था थी वो सामाजिक न्याय की व्यवस्था क्या यहाँ पर पूरी तरह से लागू हो पा रही है? नहीं नहीं, ये तो जो सामाजिक अन्याय जो ट्रेडिशनली रहा है ये उसको और इंट्रेंच कर रहा है, उसकी पकड़ और मजबूत बन रही है इसकी वजह से कि जो मजबूत जिन जो उस तरह की पृष्ठभूमि के लोग हैं जिनके पास पैसा और सामाजिक ताकत है वो अपने इस तरह जो आज के जमाने में जिन नौकरियों की वजह से अपना इन्फ्लुएंस बनता है उस पर वो और उनकी पकड़ बनी हुई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्येंद्र रंजन। तो ये स्पष्ट है कि जिस तरह की स्टडी सामने आई है उससे ये कहा जा सकता है कि आरक्षण किसी की मेरिट में बाधा नहीं बन रहा है, यानी अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बच्चे भी अच्छे मेरिट पर एडमिशन पा रहे हैं। कई कई जगहों पे तो हम ये भी देख रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं बल्कि टॉप भी कर रहे हैं। तो अगर जब ऐसी स्थिति है तो आरक्षण को दोष देने के बजाय उस सामाजिक आर्थिक पहलू पर ज्यादा गौर करने की जरूरत है जो सामाजिक आर्थिक पहलू अन्याय की जो दरार है उसको और ज्यादा बढ़ा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।